आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर के रेटा गांव में आज वन विभाग में मजदूरी के तौर पर काम कर रहे मजदूर से भरी पिकअप जीप पलटने से सवार लोगों में से 13 मजदूर घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेटा गांव के वन विभाग क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए गड्ढों की खुदाई का काम चल रहा है, जिसको तहत आज सुबह करीब 10 बजे लक्ष्मणपुरा गांव से मजदूरों से भरी पिकअप जीप रेटा आ रही थी कि रेटा गांव में पिकअप ढलान चढ़ते समय अनियंत्रित होकर पीछे आकर पलट गई। इससे पिकअप में सवार मजदूर में से 13 मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर गेजी गांव से 108 के एएमटी हिमांशु पाटीदार पायलट देवीलाल ननोमा व 104 के अजय सिंह आहड़ा मौके पर पहुंच घायल को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। खबर आपकी राजस्थान से प्रवेश जैन की रिपोर्ट। श्रमिकों से भरी हुई गई पिकअप थी, जो श्रमिक जो वन विभाग में काम कर रहे थे उनको लेके जा रही थी। रेटा में जो वन चौकी का जहाँ वन विभाग में काम चल रहा है वहाँ पे, तो ये पहाड़ी पे चढ़ रही थी और सारे श्रमिक भरे हुए थे। अंदर डीजल का एक ड्रम भी भरा हुआ था, जिससे वाहन के अनियंत्रित होकर पलट गया और काफ़ी 15 लोगों को चोटें आई हैं, जिसको हम यहाँ जिला अस्पताल ला के यहाँ इनको भर्ती कराया, जिनका उपचार चल रहा है। मेरा नाम हिमांशु पाटीदार, EMT 108 गेंजी।